अच्छे डॉक्टर की पहचान उसके काम से होती है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अपने शरीर की रक्षा एक इंसान तभी कर सकता है जब वो अपने इलाज के लिए अपने संबंधी रोग के किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए और उससे बेहतर इलाज कराकर अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको अपने डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी हो। इसीलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस समस्या को लेकर एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है डॉक्टर स्पेशल। डॉक्टर स्पेशल के हर एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस बार हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी डॉक्टर मयंक गुप्ता से। डॉक्टर मयंक गुप्ता की उपाधि की अगर बात करें तो इन्हें MBBS, MS, जनरल सर्जरी, MCH यूरोलॉजी, जेनेटो यूरिनरी सर्जरी यूरोलॉजिस्ट में महारत हासिल है। करीब 21 साल अनुभव के साथ डॉक्टर मयंक गुप्ता 17 साल से एक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं। डॉक्टर मयंक गुप्ता की पहचान नोएडा में एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट में काफी बेहतर तरीके से है। इसी के साथ मयंक गुप्ता किडनी केयर एंड स्टोन यूरोलॉजी क्लिनिक में अभ्यास भी करते हैं। इन्होंने 1996 में गुजरात विश्वविद्यालय से MBBS, 1999 में MS जनरल सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ इन्होंने 2003 में MCH यूरोलॉजी जेनिटो यूरिनरी सर्जरी पूरी की। वो यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं। और क्या कुछ महारत हासिल है उन्हें अपने इस करियर में, ये जानने के लिए उनसे बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भारती सिंह ने। जैसे सैनिक देश की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से एक डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। जब एक इंसान अपने आखिरी समय में बीमारियों से जूझ रहा होता है तब डॉक्टर की एक हंसी एक नई उम्मीद देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज हम आए हैं डॉक्टर स्पेशल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर मयंक गुप्ता जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली होते कौन है। सबसे पहले तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि यूरोलॉजिस्ट होते कौन है, यूरोलॉजी एक्चुअली में है क्या? यूरोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जो कि जनरल सर्जरी करने के बाद आप कर सकते हैं। यूरोलॉजी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसका पूरा नाम जेनिटो यूरिनरी सर्जरी है और यूरोलॉजिस्ट बेसिकली एक सर्जन होते हैं। यूरोलॉजी में जेनिटल्स और यूरोलॉजी के अंदर किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर या पेशाब की थैली, प्रोस्टेट या हिंदी में उसे गदूद कहते हैं, और पेनिस या जिसे लिंग कहते हैं। ये सब, इन सब चीज़ों की बीमारियों की स्टडी को यूरोलॉजी कहते हैं। सर, पूरा डिटेल में हम इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं आपके पास आई हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जो पूरी पूरा जो आपकी पढ़ाई रही है बचपन से लेकर अब तक की, आपकी क्वालिफिकेशन, कहाँ आपने पढ़ाई की, किस तरह से आप इस स्टेज पे पहुँचे कि आज आप इतने अच्छे लेवल पे कितने बड़े डॉक्टर हैं, तो मैं आपकी बेसिक चीज़ें पूछना चाहूँगी। मैं स्कूलिंग मैंने करनाल से करी है, 12th तक मैं करनाल में पढ़ा था। उसके बाद ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन के थ्रू हम लोग अहमदाबाद गए। अहमदाबाद से मैंने अपने MBBS, MS और MCH तीनों सब्जेक्ट वहीं से ही मैंने पास आउट किए। और अहमदाबाद से पास होने के बाद मैं नोएडा में आया। नोएडा में मैंने करीब 15-16 साल हो गए मुझे नोएडा में प्रैक्टिस करते हुए, और मैं यहाँ पे सबसे पहले आके कैलाश हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया। 15-16 साल कैलाश हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपना हॉस्पिटल बनाया जो आज सिग्नेट हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। सर, यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जितना हमने भी स्टडी किया है, जब आपसे हमने मिलने आ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तब उसमें यूरोलॉजी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आजकल बहुत रैपिडली ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसके अंडर आती हैं, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम किसी और डॉक्टर के पास जाएं। ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है, क्योंकि कॉमन पब्लिक को और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ये नहीं पता होता है कि इस किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास भेजा जाए, और इसी वजह से मरीज इधर से उधर घूमता रहता है और वो सही जगह पहुंच नहीं पाता है। तो यूरोलॉजी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे स्टोन्स हैं, किडनी में ट्यूमर है, किडनी में सिस्ट हैं,
उस सब के लिए पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। अगर यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन में जलन है, दर्द है, या यूरिन करने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। अगर कोई सेक्स से संबंधित कोई समस्या है, कोई मेल इनफर्टिलिटी मतलब जिसको हिंदी में पुरुष बांझपन कहते हैं, कोई आदमी किसी से बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए भी यूरोलॉजिस्ट ही उसको देखते हैं। इन सब चीज़ों की कोई समस्या है तो पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। सर, ये बहुत वास्ट लेवल पे जो पूरा पूरी जो अपने आप में स्टडी है, ये बहुत वास्ट लेवल पे है, तो बट थोड़ा बहुत शॉर्ट में जितना हम समझा पाएं अपने दर्शकों को, मैं उतने ही लेवल पे ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें होती हैं ये। अगर यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी परेशानी अगर किसी इंसान को है, किसी मेल को, किसी फीमेल को है, तो ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बॉडी को, और कितनी जल्दी इसको ट्रीट करवा लेना चाहिए ताकि आगे और प्रॉब्लम ना बढ़े। देखिए, समस्या तो शरीर के अंदर कोई भी हो वो उस पेशेंट के लिए तो बड़ी ही है। चाहे वो, अगर आप एक यूरिन इन्फेक्शन को ही ले ले जो कि बहुत सबसे कॉमन बीमारी है स्पेशली लेडीज़ के अंदर, उसी समस्या के अंदर ही आदमी कई दो दिन की दवाई में ठीक हो जाते हैं, कई सालों साल भी दवाई करते हैं तब भी नहीं ठीक हो पाते हैं। तो समस्या तो किसी के लिए वही समस्या बड़ी हो जाती है, वही समस्या छोटी हो जाती है, लेकिन समस्या समस्या है। तो अगर किसी भी इंसान को, किसी भी लेडी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको स्टोन से संबंधित कोई समस्या है तो उनको यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। अगर वो मान लीजिए उसका इलाज नहीं करते हैं तो किडनी ख़राब होने का डर रहता है, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि स्टोन की समस्याओं का इलाज ही नहीं कराते हैं, और कोई देसी दवाई खा रहा होता है, कोई किसी बाबा से जड़ी बूटी खा रहा होता है, कोई किसी होम्योपैथी की कोई दवाई खा रहा होता है, और एंड में जब उसे एक दो साल बाद आँख खुलती है तो पता लगता है किडनी ख़राब हो गई। तो ऐसे दर्शकों को, बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी किडनी की समस्या को छोटे रूप में ना लें, उसको गंभीरता से लें। अगर आप अपने शरीर के प्रति सजग हैं तो आपको समस्या का इलाज तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलके करना चाहिए। सर, स्टोन की बात कही आपने, तो क्योंकि स्टोन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर इंसान बोलता है कि पथरी हो गई हमें, आजकल जो है वो हर तीसरा चौथा इंसान जो है वो एक पेन डील कर रहा होता है जिसके बाद पथरी की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जो पथरी है, पहली बात तो ये किस तरीके से बॉडी में आती है, दूसरी बात कि ये जो इसका क्या क्या इलाज है, मतलब क्या उसका सर्जरी ही इलाज है, या यूरिन के थ्रू भी हमने सुना है कि वो निकलती है, तो क्या ये पूरे, क्योंकि ये एक बेसिक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक इस प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देश में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर पथरी की समस्या ऑलमोस्ट, अगर मैं नोएडा की बात करूं तो शायद हर तीसरे या चौथे आदमी को पथरी की शिकायत होगी, और छोटे बच्चे से लेके 80-85 साल के आदमी तक किसी को भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं लोगों को आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पथरी कोई खाने पीने से या इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पथरी का जो विकार है वो किडनी के अंदर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब आपका शरीर ही उसको खुद आपके लिए बना रहा है। आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है, या शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वही उस किस्म का है कि वो किडनी में पथरी की डिपोजिशन को फेवर करता है। बहुत सारे लोग जो ये दावा करते हैं कि हम ये दवाई खाते हैं, या ये होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, किसी भी पैथी में कि हमने ये दवाई खाई तो उसके बाद से हमें पथरी दोबारा कभी नहीं बनेगी, और हर पेशेंट मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि हमें कुछ ऐसी दवाई दो कि ये दोबारा ना बने, तो उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक टिल डेट ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कि पथरी को दोबारा ना होने दे। ये आपके शरीर का एक विकार है जो आपके शरीर के अंदर पथरी को डेवलप करता है। वो किसी को वही पथरी 10 साल में डेवलप होती है, किसी को हर साल होती है, किसी को 50 साल में एक बार होती है। उसमें किसी दवाई या किसी स्पेशल लाइफस्टाइल का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खाने पीने का या थोड़ा बहुत लिक्विड इनटेक का जो रोल है वो मैं आपको थोड़ी देर में अगले क्वेश्चन में इसको विस्तार से समझा दूँगा।
सर, सर्जरी के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि क्या अगर किसी को स्टोन है तो क्या, या पथरी है तो क्या किसी को सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है या फिर कोई और तरीका भी है, कोई सिंपल तरीका भी है? क्योंकि सर्जरी का नाम आप भी जानते हैं, जब एक कॉमन इंसान सुनता है तो वो पहले ही डर जाता है, तो ऐसे में क्या सिर्फ सर्जरी एकमात्र इलाज है? ऐसा नहीं है कि स्टोन का इलाज सिर्फ सर्जरी से ही होता है। जब किडनी के अंदर विकार हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, तो पथरी बननी शुरू हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि पथरी अगर छोटी है तो शरीर उसको अपने आप ही निकाल देता है। ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो बार बार आके बोलते हैं कि सर मेरी पथरी निकल गई, अपने आप निकल गई, या मैं एक्स दवाई खा रहा था उससे निकल गई। एक्चुअली कोई भी दवाई किसी पथरी को नहीं निकालती है। पथरी शरीर में बनती है और शरीर का हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको बाहर निकालता है। अब उस केस में छोटी छोटी पथरी या कण के रूप में, कंक्रीशंस के रूप में पथरी बनती रहती है और बहती रहती है, निकलती रहती है। तो उस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि पथरी अपने आप नहीं निकल सकती। बहुत सारे लोगों की पथरी अपने आप निकल जाती है, किसी की 3 mm की भी निकल जाती है, किसी की 7-8 mm की भी निकल जाती है। वो उसकी किडनी, यूरेटर और उन सब की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पथरी बड़ी है तो उसका दवाई से कोई इलाज नहीं है, उसको निकलवाना ही पड़ता है, जिसको आप लोग सर्जरी कहते हैं। उसके कई प्रकार हैं जिससे आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन दवाई से पथरी का आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो अगर ये कहते हैं आपको कि पथरी दवाई से हम पिघला देंगे, हम गला देंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल देंगे, वो सब आपको भ्रमित करते हैं और गलत बात बोलते हैं। मैं उस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसलिए हम उस चीज़ को अप्रूव, हम क्या, कोई मेडिकल फेटर्निटी उसको अप्रूव नहीं करती है कि दवाई के द्वारा पथरी निकाली जा सकती है। जिन भी लोगों की पथरी निकलती है वो अपने आप ही, क्योंकि उसको निकलना है इसलिए निकल जाती है। सर, क्योंकि ये वक्त कोविड का चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि ये जिस तरीके से ये पूरी बीमारी, महामारी जो है वो हावी है देश पे, दुनिया पे, ऐसे समय में जो आपके पेशेंट्स हैं, जो रेगुलर आपके साथ जुड़े रहते हैं और भी जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो जो ये हमारा स्पेसिफिकली यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इससे इस क्या ये जो डिपार्टमेंट है ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इफेक्ट, क्योंकि किडनी है, हालांकि लंग्स का जो है एक अलग इसके साथ कनेक्शन रहता है, लेकिन क्या आपके पेशेंट्स जो हैं उनको भी इस कोविड के ड्यूरिंग, अपार्ट फ्रॉम मास्क और सैनिटाइजर्स तमाम चीज़ों के अलावा भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेशेंट्स हैं इनको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं? देखिए, हमारे जो पेशेंट्स हैं, यूरोलॉजी बेसिकली एक सर्जिकल ब्रांच है, लेकिन हमारे जो पेशेंट्स जिनकी किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, वो डैमेज किडनी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और उन सब लोगों को कोविड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि कोविड अगर उनको होता है तो उनकी किडनीज़ को डैमेज होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड मोर प्रोन टू कॉम्प्लिकेशंस देन ए नॉर्मल पर्सन हुज़ किडनीज़ आर हेल्दी। तो हमारे जो पेशेंट्स, यूरोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं जिनका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, किडनी के अंदर खराबी हो गई है, उनको कोविड के इस महामारी के दौर में ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ताकि वो कुछ ऐसी बीमारी ना पकड़ ले जिससे किडनीज़ उनकी और ख़राब हो जाएं और फिर डायलिसिस और इस सब पे उनको जाना पड़ जाए। इसलिए मैं उन सब लोगों को ये सलाह दूंगा जिनकी किडनीज़ में थोड़ी ख़राबी है, चाहे वो सर्जिकल वजह से हो चाहे मेडिकल वजह से हो, वो इस कोविड के दौरान ज़्यादा सतर्क और सावधान रहें, ताकि अपनी सेहत को और अच्छे से इस महामारी से बचा सकें। सर, डायलिसिस की आपने बात कही, तो डायलिसिस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जितनी भी किडनी संबंधी जो परेशानियाँ होती हैं, क्या डायलिसिस, अगर पूरी तरीके से किडनी ख़राब नहीं है या फिर पूरी तरीके से ख़राब है, तो क्या डायलिसिस एकमात्र चीज़ है जिसके थ्रू जो है वो इस डायलिसिस करके बचा जा सकता है, क्या एक लंबा जीवन जो है वो आप जी सकते हैं? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि डायलिसिस को लेके भी कॉमन पब्लिक के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। अगर किसी पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि आप एक बार डायलिसिस करा लीजिए, तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मुझे ज़िंदगी भर डायलिसिस करानी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस इज़ एन आर्टिफिशियल किडनी। अगर आपकी किडनीज़ काम नहीं कर रही हैं,
तो आपको बाहर से एक साधन चाहिए जो आपकी किडनीज को टेम्परेरीली सपोर्ट दे सके, या आपके शरीर को किडनी के रूप में सपोर्ट दे सके, उसी को डायलिसिस कहते हैं। अगर आपकी किडनीज परमानेंटली डैमेज हो गई हैं तो फिर आपको डायलिसिस की सपोर्ट के बिना आपका काम चलेगा नहीं। जैसे आपका कोई मान लीजिए घुटना ख़राब हो गया है तो आपको घुटना एक नया लगाना पड़ता है, घुटने रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं। ऐसे ही अगर आपकी किडनीज इतनी ख़राब हो गई हैं कि वो चल ही नहीं सकती हैं, वो काम ही नहीं कर सकती हैं, तो या तो आपको परमानेंटली डायलिसिस कराना पड़ेगा या आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। तो डायलिसिस की जो पद्धति है इलाज की, वो आपकी ट्रांसप्लांट के और नॉन ट्रांसप्लांट मतलब ख़राब किडनी और एक ट्रांसप्लांट किडनी के बीच की स्थिति है, जिसमें आप डायलिसिस करा के रेगुलरली अपने जीवन को जी सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप डायलिसिस नहीं कराएंगे तो किडनी जो जहर, शरीर के जहर को जो फिल्टर करती है, वो आपके शरीर में आ जाएगा और उससे आपके और दूसरे अंग भी ख़राब हो जाएंगे। तो एक तो डायलिसिस को लेके लोग गलत फहमियाँ ना पालें कि एक बार डायलिसिस शुरू हुई तो ज़िंदगी भर चलेगी। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने कोविड की बात करी, अगर मैं कोविड में ही बात कर लूँ, मान लीजिए कोविड की वजह से आपकी किडनी के अंदर कोई ख़राबी आ गई, तो हो सकता है आपको टेम्परेली 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन डायलिसिस कराना पड़े, लेकिन जैसे ही आपकी किडनीज रिकवर करेंगी आपका डायलिसिस होना बंद हो जाएगा। तो डायलिसिस को लेके जो गलत फहमी है लोगों में, उसको भी दूर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि और किसी बीमारी की गलत फहमियों को दूर करना है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको किडनी में आपके डैमेज हो रहा है और आप डायलिसिस करा लीजिए, तो उससे घबराने की, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि डायलिसिस आपकी परमानेंट हो, वो टेम्परेरी भी बहुत सारे लोगों में होती है, क्योंकि जैसे ही किडनी रिकवर करेंगी डायलिसिस की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने बताया कि डायलिसिस इज़ नॉट अ सच प्रॉब्लम, अगर आपको परेशानी है और डायलिसिस की ज़रूरत है, आपके फिजिशियन ने, डॉक्टर ने अगर आपको बोला है कि डायलिसिस की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि आपको डायलिसिस करवाना चाहिए, इंस्टेड कि आप इससे डर के घर में बैठ जाएं और परेशानी जो है वो आप उसके बाद और ज़्यादा झेलें। लेकिन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो डायलिसिस ज़्यादा बेहतर है या फिर ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेहतर है, क्या प्रेफर जो है वो करना चाहिए? देखिए, डायलिसिस एक वो एक तरीका है जिससे अगर आपकी जो नॉर्मल नेचुरल किडनीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो उसी काम को आप बाहर एक मशीन के द्वारा करा रहे हैं, उसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस परमानेंटली लाइफ लॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक करने से उसके कई नेगेटिव्स भी हैं। कई बार आप डायलिसिस की वजह से इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं, डायलिसिस करने के लिए भी कई सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, फिशुलाज बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपके आपका शरीर इस लायक है कि आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो सकता है किडनी का, तो हमेशा ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक परमानेंट क्योर है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद, एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपकी डायलिसिस ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे एक नॉर्मल आदमी है। तो ये कंपैरिजन, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस एक बेहतर तरीका है जीवन जीने का या ट्रांसप्लांट, अगर आपके पास ट्रांसप्लांट कराने की सुविधा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए आपको डोनर चाहिए, ट्रांसप्लांट के लिए किडनी कहीं बाहर से तो मिलती नहीं है, आपके किसी रिलेटिव से चाहिए, वो सब समस्याओं से अगर आप निकल सके और एक किडनी डोनर आपको मिल सकता है, तो हमेशा ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, उससे आपकी वो परमानेंट इलाज है। लेकिन डायलिसिस एक टेम्परेरी मैकेनिज्म है जिससे आप अपने जीवन को जी सकते हैं, लेकिन देखो अच्छे से जीना और जीवन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको ट्रांसप्लांट से मिल सकती है, लेकिन डायलिसिस से क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल सकती। वो एक जीवन को जीने का एक तरीका है जिससे आप किडनीज की समस्याओं से जूझते हुए भी आप जी सकते हैं। मात्र तरीके से सिर्फ आप जी सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी उतनी बेहतर नहीं होगी। सर, मैं क्योंकि मैं हर बार जब नए डॉक्टर से मिलती हूँ अपने डॉक्टर स्पेशल प्रोग्राम में, तो मैं हर बार उनसे उनकी लाइफ में किसी एक किसी भी पेशेंट से मिले हुए उनको कोई एक ऐसा वाक्या रहा हो जो उन्हें बहुत यादगार हो, मतलब हर बार मुझे पता है कि हर बार एक पेशेंट से जब आप मिलते हैं तो हर पेशेंट स्पेशल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाते हैं, उनकी स्टोरी थोड़ी अलग होती है और आप उन्हें हमेशा याद रखते हैं और हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो बताते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे कोई एक वाक्या जानना चाहूँगी जो आपको याद हो आपके जहन
में चलता हो हमेशा, और जो आप बता सके हमारे दर्शकों को, और एक इंस्पायरिंग भी हो या फिर कुछ मज़ेदार हो जो कि आपके लिए इमोशनल भी रहा हो, ऐसा एक वाक्य ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसा बड़ा मुश्किल है ऐसा कोई ऐसा एक वाक्य, क्योंकि हम तो रोज़ ये हमारे लिए एक नया वाक्य होता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने प्यार से ऑपरेशन थिएटर में हाथ पकड़ के चलते हैं, अंकल चलिए मैं चल रहा हूँ, तो उनकी बोल्डनेस को देख के कई बार ऐसा लगता है यार देखो क्या आदमी है। और कई मतलब ऐसा मेरे जहन में कोई ऐसा वाक्या स्पेशल नहीं आ रहा जो मैं आपको अभी बता सकूं। तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है, उन लोगों से सीख लेना भी। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, और ये बहुत बुरा वक्त है जब कोविड के साथ साथ ऐसी परेशानियाँ भी रेगुलरली जो है वो बनी रहती हैं। सर एक और पॉइंट इसमें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, UTI एक टर्म है जो कि हमने बहुत सुना है, इसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है वो रहती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी है, तो UTI के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या क्योर है और क्या प्रिकॉशंस यूजुअली लेने चाहिए। ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी जनता इसको लेके परेशान है, स्पेशली लेडीज़। और इस UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिन के ट्रैक किडनी से लेके यूरिन की नली तक के किसी भी इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसको लेके इतनी भ्रांतियाँ हैं स्पेशली फीमेल्स में, जैसे कि ऑलमोस्ट 100% लेडीज़ मुझे ये पूछती है कि मैंने तो कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं किया फिर भी मुझे क्यों हो गया, जबकि ये एक 100% मिथ है कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से UTI होता है। दूसरा एक ये मतलब यूरोलॉजी के बेसिकली UTI तो नहीं है इसमें, लेकिन यूरोलॉजी के दो मिथ बहुत पॉपुलर हैं, एक कि बियर पीने से स्टोन नहीं होता है और दूसरा पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से UTI होता है। तो मैं ये दोनों आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही मिथ हैं, ना बियर पीने से स्टोन निकलता है या स्टोन बनता है नहीं बनता है, और ना ही पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से UTI होता है। बेसिकली UTI आपके शरीर के अंदर से ही होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम UTI जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो आपके स्टूल से ही आपके शरीर में आता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया UTI के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको ई कोलाई कहते हैं, और वो हमारे स्टूल का एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है। क्योंकि लेडीज़ में यूरिनरी ट्रैक और स्टूल के बीच में डिस्टेंस कम होता है, इसलिए असेंडिंग इन्फेक्शन लेडीज़ में यूरिनरी ट्रैक में ज़्यादा होता है। अब इसकी प्रिकॉशन के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा कारगर तरीका है नहीं, लेकिन फिर भी जो कॉमन आदमी इसको फॉलो कर सकता है वो एक ही तरीका है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन जो है अच्छे से मेंटेन कीजिए। जिन लेडीज़ में वजाइनल इन्फेक्शंस या ल्यूकोरिया जो सफ़ेद पानी का बहना या इस टाइप की समस्याएं होती हैं, उनके अंदर UTI का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि लिक्विड इनटेक अपना ज़्यादा रखिए, 2 से 2.5 लीटर आपका यूरिन आउटपुट हो इतना लिक्विड इनटेक होना चाहिए। 2 से 2.5 लीटर पानी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 2 से 2.5 लीटर के आसपास यूरिन आउटपुट हो उतना लिक्विड इनटेक होना चाहिए। और इसके अलावा UTI अगर किसी को होता है इधर उधर ना भटकें, छोटे छोटे लोगों से छोटी छोटी दवाइयाँ खा के अपने UTI को कॉम्प्लिकेट ना करें, उसका टाइम से यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसका इलाज कराएं, तो फिर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। स्पेशली जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वो लोग नहीं कराते हैं, फिर उनमें महीनों सालों वो लोग दवाइयां खाते रहते हैं, रिकरेंस होती रहती है, और जिनको रिकरेंट UTI होता है वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। तो इसलिए उन सबको एडवाइज़ है कि प्रॉपर तरीके से दवाई खाएं और प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। और दूसरा एक और बताना चाहूँगा कि क्योंकि लेडीज़ में ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो लेडीज़ सबसे पहले किसी भी जेनाइटल एरिया के प्रॉब्लम के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब वो चली जाती हैं तो UTI का ट्रीटमेंट भी UTI हुआ तब भी वहीं चली जाती हैं।
तो मेरी उनसे ये कि ये सलाह रहेगी कि अगर आपको यूरिन में कुछ भी समस्या होती है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है आपके शहर में या आपके एरिया में तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन खुद से इसका इलाज ना करें। सर, एक सवाल मेरा आपसे एक ये भी है, क्योंकि हालांकि ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई से संबंधी है, क्योंकि जितने मैंने डॉक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबका मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच होती है ये। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्यों यूरोलॉजी को लोग जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों है कंपैरेटिवली बाकी। हालांकि मैं एक चीज़ इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, स्पेसिफिकली कैंसर डिपार्टमेंट जो होता है, तो उसमें ज़्यादातर हमारे देश में क्या दुनिया में भी ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, मतलब यूजुअली पेशेंट्स नहीं ठीक हो पाते हैं तो, और वो एंड जो करता है वो नेगेटिव जगह पे करता है। तो अगर आपके पेशेंट खुश नहीं है तो मुझे पता है कि डॉक्टर भी खुश नहीं होंगे। तो ऐसे में ये स्पेसिफिक ब्रांच जो है वो लोग क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने भी क्यों प्रेफर की। साथ ही ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि डॉक्टर आप कैसे बने, क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर था, किससे आपको इंस्पिरेशन मिली। देखिए, यूरोलॉजी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने का रीज़न ये है कि लकीली हमारे पास यूरोलॉजी में ऑलमोस्ट 99% पेशेंट्स का क्योर है। तो हमारे जब पेशेंट्स ठीक होकर घर जाते हैं तो जितनी खुशी उन्हें मिलती है उतनी डॉक्टर को भी मिलती है कि आप मेरे पास आए, आप बीमार थे, मैंने आपको ठीक कर दिया, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। जबकि ऑन्कोलॉजी जैसे ब्रांच है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कभी कि मैं कैंसर सर्जरी करूंगा, क्योंकि मुझे सर्जरी करने का बहुत शौक था, इसमें बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं। लेकिन एक जैसे आप मेरे से पूछ रही थी कि कोई ऐसा वाकया जो आपके दिल को छू गया हो, वो ये कैंसर, जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में पढ़ रहा था उस टाइम मेरी 3 महीने की एक रोटेशन थी कैंसर हॉस्पिटल में, हमारा, मैं अहमदाबाद से पढ़ा हूँ और हमारा टाटा मेमोरियल के बाद नंबर 2 एमपी शाह कैंसर हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, जो कि टाटा मेमोरियल के बाद इंडिया में नंबर 2 हॉस्पिटल ही है। मैं वहाँ पढ़ा और एक वाक्या जिसने मेरी इस सोच को बदल दिया कि मैं कैंसर सर्जरी नहीं करूँगा, वो एक वाक्या ऐसा था, एक 12 साल के बच्चे को मैंने एक पैर पे ऐसे चलते हुए देखा और वो मेरे पास आके बैठा, उसने दिखाया, मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने बोला मेरे फीमर, मतलब जो ये लेग बोन होती है, इसका कैंसर था, तो उसके हिप को पूरा निकाल दिया गया था, डिसआर्टिकुलेट, तो ही हैड ओनली 1 leg। और वो जब वो मेरे पास आके बैठा तो मेरे को इतना डिप्रेसिंग लगा वो सीन, मतलब मुझे अभी तक, जैसे आपने बीच में पूछा था मुझे याद नहीं कर पाया, लेकिन अब बात करते करते याद आ गया। तो उस इंसिडेंस ने मेरी कैंसर सर्जरी में जाने की सोच को बदल दिया। मैंने कहा ये, मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे को देख के मुझे इतना डिप्रेसिंग फील हुआ कि मैंने कहा नहीं, ये ब्रांच मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि शायद इतनी एग्नी, इतनी ह्यूमन एग्नी को शायद मैं ना झेल पाऊँ, मेरा नेचर, भगवान ने शायद ऐसा नहीं दिया है। और इसीलिए मैंने फिर ऐसी ब्रांच को चुनना चाहा कि जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी, मतलब खुशी मिलती हो, पेशेंट का खुशी कब मिलेगी, जब आप पेशेंट को ठीक कर देंगे। इसलिए यूरोलॉजी भी सबकी प्रेफर्ड ब्रांच है। वैसे तो प्रेफरेंस सबकी अपनी अलग अलग होती है, पर बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो जो रैंकिंग में सबसे ऊपर जाती है वो यूरोलॉजी जाती है, क्योंकि एक तो इसमें सेटल होना भी इजी है, आपको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े बड़े सेटअप नहीं चाहिए जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए भी शायद लोग यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, क्योंकि इसमें सर्जरीज करने के लिए आपको बहुत मेजर 100-200-500 बेड के इस टाइप के सेटअप, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर्स, इस टाइप की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोगों की ये डॉक्टर्स की मतलब प्रेफर्ड ब्रांच है कि इसमें हम जाएं। फिर इसमें मैक्सिमम जो वर्क है वो एंडोस्कोपिक है, लेज़र, आजकल लेज़र्स वगैरह आ गई हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से यूरोलॉजी प्रेफर्ड ब्रांच आती है। यूरोलॉजी में सर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसा हम ये चार्ट भी देख रहे हैं हमारे पास, इनमें से कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जितना हम समझ पाएं, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनसे जो है वो बचा जा सकता है या क्या कुछ किया जा सकता है। यूरोलॉजी के अंदर ये आप चार्ट में भी देख पा रही हैं, ये हमारी किडनीज हैं, ये यूरेटर हैं जो जिनको मूत्र नलिका कहते हैं हिंदी में, और ये गुर्दा या किडनीज हो गई, फिर ये पेशाब की थैली है, और ये मूत्र नलिका मतलब पेनिस और यूरेथ्रा है, ये प्रोस्टेट है,
जो कि मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। फीमेल्स में इसकी जगह पे वजाइना और इंट्रोइटस जिसे कहते हैं वो होता है, लेकिन ये ब्लैडर, यूरेटर, किडनीज और जेनाइटल्स, ये एरिया यूरोलॉजी में आता है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो अगर मैं नीचे से शुरू करता हूँ तो यूरिन की पाइप में जो सबसे कॉमन बीमारी आती है उसको बोलते हैं स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा, जिसमें यूरिन की पाइप सिकुड़ जाती है, तो उसको हम लेज़र से खोल के ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही उससे आगे जाते हैं तो प्रोस्टेट आती है मेल्स के अंदर, जिसके अंदर आपने कॉमनली देखा होगा 60s 70s की एज में लोगों को यूरिन करने में दिक्कत होती है, या यूरिन बार बार जाना पड़ता है, या यूरिन बंद हो जाता है, वो बेसिकली प्रोस्टेट की वजह से होता है, और उसका भी या तो दवाइयों से या लेज़र सर्जरी से उसका भी इलाज हो जाता है। फिर तीसरी आती है पेशाब की थैली, जिसके अंदर पेशाब की थैली के अंदर पेशाब की थैली के ट्यूमर्स, जिसे कैंसर कहते हैं पेशाब की थैली का, वो भी काफ़ी कॉमन है आज के इरा में, क्यों जिस तरह से हम पॉल्यूशन और टबैको, सिगरेट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये बीमारी, जो आज से अगर मैं 15 साल पहले बात करूं और आज बात करूं तो उसमें बहुत अंतर है। स्पेशली विलेज एरिया में जो हमारे किसान भाई हैं, जो आजकल आंदोलन भी कर रहे हैं, वो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं, क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो खेतों में डालने के लिए करते हैं, उन सब लोगों को पेशाब की थैली का कैंसर बहुत कॉमन है। इसलिए उन लोगों को मैं स्पेशली, अगर आपका चैनल न्यूज़ वो देखते हैं तो उनको मैं बताऊंगा कि वो अपने पेशाब की थैली की अल्ट्रासाउंड रेगुलरली साल में एक बार ज़रूर कराएं, और कभी भी पेशाब की कोई समस्या, पेशाब में खून आना या ऐसा कुछ हो तो तुरंत अपना इलाज कराएं और डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो, अगर ये बीमारी है, टाइमली इलाज कराने से इसका क्योर हो जाता है, पेशाब की थैली का जो ट्यूमर होता है। उसके बाद किडनीज़ है, किडनीज़ के अंदर स्टोन्स होते हैं, पेशाब की थैली में भी स्टोन्स बनते हैं, और यूरिन की पाइप में स्टोन फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लोग दर्द से कराहते हुए डॉक्टर के पास आते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी इलाज है, टाइम से कराएं, अपने ऑर्गन को बचाएं। ऑर्गन को गंवाना बहुत आसान है, उसको वापस से पाना बहुत मुश्किल है। ट्रांसप्लांट अपने आप में जितना आसान शब्द है, उतना आसान इलाज नहीं है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी किडनीज़ को ध्यान रखें, समय पे जांच और इलाज दोनों कराएं, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएं और सही डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, आपको डॉक्टर बनने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली, कि आपकी फैमिली में भी कोई डॉक्टर है? जी, मेरी फैमिली में तो कोई डॉक्टर नहीं था मैं बनने वाला, मेरे मैटरनल पैटर्नल साइड से पहला ही था, लेकिन मैं जब से 5th या 6th स्टैंडर्ड में था तब से मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर नरेश त्रिहान जो हैं वो मेरे रोल मॉडल थे। कि मैंने, मतलब जब डॉक्टर त्रिहान जब आए होंगे तब से मैं 8th 9th से उनका नाम सुन रहा था, और वो किस तरह से मेरे जहन में बैठा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं क्या बनूंगा, और डॉक्टर भी नहीं, सर्जन नहीं बना तो मैं क्या बनूंगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूँगा इसमें। जब मैं 10th में था तो मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो मैंने गिटार सीखना शुरू किया। तो जब मैं गिटार बजा रहा था तो गिटार में ये मेरी जो फिंगर्स हैं, ये इससे आपको वो स्ट्रिंग दबानी पड़ती है, तो जब मैंने देखा थोड़े दिन गिटार बजाई तो ये मेरे फिंगर्स जो हार्ड हो गए, इनमें निशान पड़ गए वो वायर की वजह से, तो मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया। कि अगर तेरी, मैंने ही सोचा कि अगर तुम्हारी फिंगर्स ख़राब होगी तुम सर्जरी कैसे कर पाओगे। दैट वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। तो आई डोंट नो वेयर आई गॉट माई इंस्पिरेशन फ्रॉम, बट आई हैड नो ड्रीम अदर देन बिकमिंग अ डॉक्टर एंड अ सर्जन, रादर नॉट अ डॉक्टर, एज अ सर्जन। सो आई नेवर थॉट इफ आई डोंट बिकम अ सर्जन वॉट विल आई बिकम, सो दैट इज हाउ आई बिकेम अ डॉक्टर। सर, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। पूरा इंडिया जो है वो आप जैसे डॉक्टर्स के लिए, मतलब, हमेशा सलाम करता है आपको, इसलिए क्योंकि जो लोग अपनी हॉबीज़ और अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं इस तरीके से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं करता है, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और हम एक्चुअली में आपके लिए बहुत थैंकफुल हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा देते हैं और वो बहुत इनह्यूमन होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनह्यूमन नहीं होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, और वो कभी कभी वो ब्रांच तक छोड़ देते हैं जो वो एक्चुअली करना चाहते थे, क्योंकि वो जहन में वो किस्सा रहता है, वो चीज़ें रहती हैं कि कैसे हम एक इंसान को इस तरीके से
तड़पते हुए इस तरीके से देखेंगे। खैर सर, और मैं आपसे आपके बारे में और कुछ जानना चाहूँगी जो आप हमें बताएं, आपकी चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन, फैमिली स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं आप? यूरोलॉजी लकीली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मैं फैमिली को पूरा टाइम दे पाता हूँ, और चाहे फैमिली उस टाइम को कम समझती हो ये शिकायत हर किसी को रहती है हमेशा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम दे पाता हूँ फैमिली को, क्योंकि यूरोलॉजी ब्रांच एज सच बहुत इमरजेंसी ब्रांच नहीं है, और शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने इसको चुना था, क्योंकि इसमें हमारा ऑलमोस्ट 90-95% वर्क प्लान्ड वर्क होता है, और इसलिए मैं फैमिली को तो टाइम दे पाता हूँ। मैं उस चीज़ में कंप्लेंट नहीं करूँगा कि मैं अपनी फैमिली को, और मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मेरे पास समय होता है और मैं आराम से अपनी फैमिली को समय दे पाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर, इतना टाइम आपने हमें दिया, और पूरी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मयंक गुप्ता जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, और जैसा इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स भी ह्यूमैनिटी की मिसाल होते हैं। हर बार जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि डॉक्टर्स, हर बार हम डॉक्टर स्पेशल में जब किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो हर बार हमारे जहन में ये चीज़ और ऊपर चली जाती है कि डॉक्टर्स ह्यूमैनिटी की अपने आप में मिसाल होते हैं। अगली बार फिर एक और ऐसे ही डॉक्टर से हम मिलेंगे। फिलहाल के लिए डॉक्टर स्पेशल में बहुत बहुत धन्यवाद।